हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के 1.5% की अच्छी खासी रैली यहां पर देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में भी आज 2% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। बाजार एक अच्छे मोमेंटम के साथ बंद हुआ है, एक अच्छे सेंटिमेंट के साथ बंद हुआ है। जैसा उम्मीद थी हमें कि इस हफ्ते में हमारा काफी कुछ सुधार लायक हो सकता है, वही हुआ है। बट इसको अदरवाइज नहीं इंटरप्रेट करना है, इसको ऐसे नहीं देखना है कि बाजार में कॉन्फिडेंस आएगा, बाजार में बुल रन आएगा, क्योंकि बाजार में जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम थी, चाहे वो क्रूड ऑयल प्राइसेस की हो, चाहे वो कोविड की हो, चाहे वो डेप्रिशिएटिंग रुपए की हो, तो वो प्रॉब्लम तो अभी भी वही की वही है। तो इसको अदरवाइज नहीं लेना है। हाँ, एक अच्छा उछाल जरूर देखने को मिला है और वो सपोर्ट भी मेंटेन है निफ्टी 50 का। 14,300 का जो सपोर्ट था वो अभी बरकरार है। 1.8% का उछाल है यार, और अच्छा बाजार बंद हुआ है। साथ ही साथ अगर जो छोटे बड़े स्टॉक्स हैं हमारे, जैसे कि पीएनबी हो गया, इनमें भी एक ठीक ठाक उछाल आया है। हमारा वॉल्यूम रीगेन किया है पीएनबी ने, एक अच्छी बात है कि वॉल्यूम को दोबारा से रीगेन करना स्टार्ट किया है पीएनबी ने। सवाल यह है इस लेवल पर कि 39 रुपए की बाइंग है और 39 रुपए की बाइंग के साथ लॉस में हम काफी ज्यादा, क्या करें यहाँ पर? खरीदारी और ज्यादा करके एवरेज करें प्राइस को, या फिर बेच दें स्टॉक को? ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन लोग लॉस में हैं यहाँ पर, या फिर उनको लगता है कि पीएनबी में खरीदारी करना कैसा रहेगा। एट दिस पॉइंट अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरफ से देखें, यानी शॉर्ट टर्म की खरीदारी बिकवाली की तरफ देखें, तो क्या होने वाला है इसका फ्यूचर? और अगर लॉन्ग टर्म की तरफ देखें तो पीएनबी में कैसा पैसा बनने वाला है? 1 साल रुकते हैं, 1.5 साल रुकते हैं, 2 साल रुकते हैं, तो क्या पीएनबी हमें डबल डिजिट में, मतलब ट्रिपल डिजिट में आता हुआ देखने को मिलेगा या नहीं? क्या यहाँ पर हमें 100%, 50% कितना रिटर्न मिल देगी, संभावना यहाँ पर बन रही है। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप आज का चार्ट देखो तो एक अच्छा चार्ट देखने को मिलता है, एक मजबूत चार्ट आज बना है हमारा। पीएनबी में ही नहीं, पूरा बाजार आज अच्छा रहा है, बड़ा खुशनुमा माहौल रहा है। रुपी के डेप्रिशिएट होने हो रहा था जब तक, तब तक फार्मा और आईटी काफी तेजी से बढ़ रहे थे। अब वहां पर स्टेबिलिटी थोड़ी सी आती हुई देखने को मिली है। उसी स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर पीएनबी में एक अच्छा रोल, एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। मोस्ट ऑफ द बैंकिंग जो सेक्टर के स्टॉक है हमारे, उनमें एक अच्छा उछाल आ जाया है, एक अच्छी स्टेबिलिटी आज देखने को मिली है। वही एक चीज हमें पीएनबी में भी देखने को मिलती है। कोई बहुत बड़ी खबर इस समय पर पीएनबी में नहीं है, एक्सेप्ट दैट कि पीएनबी एट ईज लॉन्च हुआ था, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, और उसी को कॉपी करते हुए एसबीआई ने भी अपना लॉन्च किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवाईसी करके, कि अभी वीडियो से या फिर ऑनलाइन ही आप अपना केवाईसी वगैरह करवा सकते हो, ऑनलाइन ही आप अकाउंट ओपनिंग के लिए, लोन ओपनिंग, लोन के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो। तो पीएनबी का एक अच्छा इनिशिएटिव था, उसको ही फॉलो कर रही है बाकी बैंक्स। पीएनबी में जब वो खबर आई थी उसके बाद एक अच्छी रैली भी आई थी जब मैंने आपको बताया था, और वही एक चीज यहाँ पर अगर बाजार हमारा सपोर्ट करता है तो यहाँ पर अच्छी रैली की संभावना यहाँ पर भी बनती, बट वो नहीं हो पा रहा क्योंकि बाजार इस समय पर काफी अनसपोर्टिव बना हुआ है। ठीक है, बाजार की बात भी करेंगे, अभी बात करें पीएनबी में खरीदारी करना चाहिए या नहीं, तो 3 पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। इन शॉर्ट तो जून में प्रॉफिट आया था 24,727 का, उसके बाद प्रॉफिट कम हो गया 23,844 का, उसके बाद प्रॉफिट और कम हो गया 23,639 का। तो लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में जो डिक्रीज हुआ है, लगातार जो प्रॉफिट कम हुआ है, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि पीएनबी में अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है यहाँ पर तो थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बट रिस्क कहाँ पर नहीं है, रिस्क तो सभी स्टॉक्स में है। कितना रिस्क है इस स्टॉक में बात वो करें तो मार्जिन के तौर पर अगर कंपनी को देखा जाए तो मार्जिन में लगातार इंक्रीज हुआ, 8%, 15% और उसके बाद 17% का। तो मार्जिन में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, मार्जिन इज लाइक कि 1 रुपए पे आप कितना अर्न कर रहे हो, कितना पैसा आप उसमें अर्न कर रहे हो, अगर 1 रुपया आता है तो कितना प्रॉफिट, कितना मार्जिन है आपका उसमें। तो मार्जिन के तौर पर यहाँ पर एक अच्छी खबर है, साथ ही साथ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छी खबर है। 1672 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जून में, उसके बाद डबल हुआ है, 3298 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर में, उसके बाद 3516 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो टोटल रेवेन्यू में भले ही एक डिक्रीज देखने को मिलता है, डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छा उछाल देखने को मिलता है। प्रॉब्लम पीएनबी में कई सारी है, पीएनबी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जो स्कैम्स हुए थे, और उतना सारा पैसा बैंक अकेले नहीं चुकाती है, बैंक ने लोन लिया होता है और उसका इंटरेस्ट पे करना होता है बैंक को, और उसी इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा पैसा इनका बाहर जाता है। बट अगर अदरवाइज हम देखें इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कैश फ्लो को, डेट टू इक्विटी रेशियो को, तो काफी एक रिकवरिंग बैंक हमें देखने को मिलता है। और ऐसे ही बैंक्स में, ऐसे ही स्टॉक्स में अगर आप पैसा लगाते हो, रिस्की जरूर होगा, देखो स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, तो रिस्की तो होगा बट आपको पैसा भी बनेगा इस स्टॉक में। खरीदारी करनी है या नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक दिखता है तो एक पॉइंट तो है हमारे पास जो खरीदारी के लिए हाँ बोलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि तो बहुत टाइम से हमारा जो स्टॉक है वो लोअर एंड पर भी बना हुआ है, बहुत सा कोई रिटर्न नहीं दिया है,
इसीलिए यहाँ पर कोई बहुत अच्छा उछाल नहीं है, अपने आप को स्टॉक में प्रूव नहीं किया है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म भी लाना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म का स्टॉक हमें स्टोरली देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर, शॉर्ट टर्म का तो स्टॉक हमारा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ही यहाँ पर आना एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन हो सकती है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो FII ने अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज किया है यहाँ पर, और म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है यहाँ पर। तो मिक्स इंडिकेशन यहाँ से भी मिलता है, यहाँ से भी कोई क्लियर कट आपको इंडिकेशन नहीं मिलता है, खरीदारी कर ही लेनी चाहिए। FII जो होते हैं वो लगातार बिकवाली इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनका टारगेट पूरा हो जाता है। जब हमारा स्टॉक 46 तक गया था तो बहुत ज्यादा बिकवाली हुई थी और वहां से गिरावट हुई है। उस टाइम पर हमने बात की थी कि गिरावट के पीछे का कारण क्या है, और वही एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से गिरावट हुई थी स्टॉक में, और लगातार अब उसी का डेटा आया है। तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, अगर इन्होंने FII में शेयर होल्डिंग को बेचा है, दे स्टिल हैव 2.94% शेयर होल्डिंग, तो काफी बढ़िया इनके पास हिस्सेदारी अभी भी बनी हुई है, तो घबराने वाली बात नहीं है। एक जो चीज यहाँ पर आपको देखनी है कि प्रमोटर्स के पास बहुत ज्यादा शेयर्स हैं, पब्लिक के पास बहुत कम शेयर होल्डिंग है, जो कि एक नेगेटिव साइन होता है। ओवरऑल कंपनी रिस्की है, कंपनी में पैसा लगाते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाना, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना। पीएनबी में बात करें उन लोगों की जो लोग लॉस में है उनको क्या करना चाहिए, तो देखो लॉस में हो आपने ऑलरेडी पैसा लगा दिया है, आई होप कि आप लोगों ने अपनी टोटल कैपिटल का 10% ही लगाया हो, बहुत ज्यादा पैसा ना लगाया हो, ऐसे केस में बहुत अच्छी बात है। पीएनबी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा स्टॉक है, बुरा स्टॉक नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है आपने तो भी बहुत अच्छा है, कम से कम 6 से 8 महीने 10 महीने रुकने की स्ट्रेटजी अगर आपके पास है तो पीएनबी आपको बहुत ही सफिशियंट रिटर्न देगा। यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर के चलिए 32.85 रुपए का, ठीक है, और ये सपोर्ट आपको मुझे लगता है कि ब्रेक नहीं होने वाला है। मैकडी हमारा अपर साइड में भाग रहा है, यानी कि बुलिश क्रॉसओवर की तरफ भाग रहा है, एक अच्छी रैली आने की उम्मीद है। RSI की बात करें तो 40+ का RSI है, प्राइस मोमेंटम भी हमारा काफी अच्छा है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखते हुए यही लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी रैली बन सकती है एज सून एज द मार्केट रिकवर्स, मार्केट में रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीएनबी में जो अंडरलाइन प्रॉब्लम है वो कोविड है, इस समय पर कोविड की वजह से जो डर फैला है उसकी वजह से गिरावट है, और वही गिरावट का जो असर है वो पीएनबी जैसे और भी स्टॉक्स पर देखने को मिलता है। और पीएनबी ही क्यों, अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक को भी देखो, वो बहुत अच्छी रैली में था बट उसके बाद वहां से भी गिरावट हुई, तो लगातार गिरावट बनती है, लगातार गिरावट हो रही है, और वही एक बड़ा कारण है कि पीएनबी में भी गिरावट है। तो बने रहना है, घबराना नहीं है, मार्केट की जो प्रॉब्लम्स है मार्केट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। कोविड की सिचुएशन है, 1 मई से 18 के ऊपर वालों को वैक्सीनेट किया जाएगा तो वो प्रॉब्लम थोड़ी धीरे धीरे करके खत्म होगी, साथ ही साथ रुपया भी संभलेगा हमारा धीरे करके, और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी हमारे लाइन पर आएंगे। तो बने रहना है, बने रहने की मेरी सलाह रहेगी आपके लिए। सपोर्ट आपका 32.85 रुपए का रहेगा, पहला जो टारगेट रहेगा हमारा 37 रुपए का पहला टारगेट रहने वाला है, मुझे लगता है कि जल्दी ही हमारा ये टारगेट अचीव होगा। FII FPI का डेटा देखें तो खरीदारी यहां से जारी है, 1700 करोड़ का माल इन्होंने 23 अप्रैल को खरीदा था, लगातार खरीदारी बनी हुई है इनकी तरफ से, हालांकि FII अभी खरीदारी में नहीं उतरे हैं, बट आज का डेटा शाम तक आएगा तो आप देखेंगे कि FII ने भी भारी भरकम माल उठाया होगा। तो वही एक स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, अगर आपके पास पैसा बचा हुआ तो आप अच्छे स्टॉक्स में चूज करें और लगाएं पैसा, लंबे समय के लिए पैसा लगाएं। पीएनबी भी अगर आप खरीदते हैं थोड़ा सा लंबा टाइम होराइजन लेकर के चलना है, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री नहीं लेनी है, मार्केट वोलेटाइल है और इस वोलेटिलिटी में आपका नुकसान हो सकता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे तो पैसा बनेगा आपका, ठीक है। पीएनबी में 37 रुपए का आपको टारगेट लेकर के चलना है शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है कि यहाँ पर जब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं करता है तब तक के लिए, अदरवाइज यहाँ पर मार्केट जल्दी स्टेबलाइज करेगा, अच्छा प्रॉफिट बनेगा आपका, होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो, कुछ पूछना हो तो सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। नीचे बुक का लिंक दिया है, जो लोग बुक का लिंक मांग रहे थे, बुक्स मांग रहे थे कि रिकमेंड करो उन लोगों के लिए, प्लीज गो अहेड बाय दैट बुक, आपको काफी कुछ उस किताब से सीखने को मिलेगा। थैंक यू।